हेलो दोस्तों, स्टडी फन क्लब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि यूपी डीएलएड का रिजल्ट जो है कल रात में साइट पर अपडेट कर दिया गया है। यूपी डीएलएड का रिजल्ट आ चुका है, आप इसे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको अपना रिजल्ट कैसे देखना है, किस साइट पर जाना है और कैसे क्या क्या करना है। यहाँ पर एक चीज़ बच्चों को बहुत ही परेशानी हो रही है एक चीज़ की, कि यहाँ पर उनका रिजल्ट जो है शो नहीं हो पा रहा है। इसमें ऐसा क्या दिया हुआ है, तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को रिजल्ट देखने में समस्याएं आ रही हैं। तो चलिए हम आपको इसकी वेबसाइट पर ले चलते हैं और वहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो आप यहाँ पर आएंगे गूगल क्रोम पर, यहाँ पर आप सर्च में डालेंगे यूपी डी एल एड इन्फो, यूपी डी एल एड इन्फो डॉट इन। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आ गया, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो है फर्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको अगर जिस सेमेस्टर का रिजल्ट देखते हैं देख सकते हैं, हम यहाँ पर 2019 बैच का रिजल्ट देख के आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड सेमेस्टर बैक पेपर का दिया हुआ है, फोर्थ सेमेस्टर का दिया हुआ है और यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का। तो आप सेकेंड सेमेस्टर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए डीएलएड 2019 पे सेकेंड सेमेस्टर नवंबर का रिजल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ की जो गलती हुई है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे डे मंथ और ईयर दिया हुआ है, ईयर पहले फिर मंथ उसके बाद डे दिया हुआ है। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैसे डालना है, डे को बीच में डालिएगा, सबसे पहले ईयर फिर डे उसके बाद मंथ, तभी जो है आपका रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा। तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं।